के आशियाना में कथा ग्राउंड में चल रहे उत्तर प्रदेश महोत्सव के कार्यक्रम में यूपी के वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना शामिल हुए। बता दें 31 अक्टूबर तक आयोजित इस मेले में सांस्कृतिक समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने प्रदर्शनी का जायजा लिया। इसके साथ ही मंत्री अरुण सक्सेना ने योगी सरकार द्वारा पहले कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही ODOP योजना के बारे में प्रशंसा की। वहीं प्राइम टीवी के संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने वन मंत्री से सवाल किया कि अवैध आरा मशीन और पेड़ों के कटान पर क्या कार्यवाही होगी, जिस पर जवाब देते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी अवैध आरा मशीन चलाने वालों पर कार्यवाही करने की बात कही गई। आशियाना में मौजूद है उत्तर प्रदेश महोत्सव, यहाँ पे चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना जी हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, आपने यहाँ पे देखा जायजा लिया, कैसा कार्यक्रम ये लग रहा है देखने में आपको? रजन फाउंडेशन ने आज यहाँ जो उत्तर प्रदेश महोत्सव का आयोजन किया है वो बहुत ही अच्छा है। अभी मैंने स्टॉल्स देखे हैं और ये स्टॉल ख़ास तौर से ODOP से कनेक्टेड हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसके अलावा जो हमारे आदिवासी लोग हैं जो जंगल से जड़ी बूटियाँ लाते हैं उनका है, जो महिलाएं घरों पर काम करके चीज़ें बनाती हैं उनके लिए नहीं है। तो मैं कहूँगा ये मेला एक तरह से उन लोगों को मार्केट प्रदान करता है जिनका नया नया काम है, और विभिन्न नमकीने हैं जो लोग देखते हैं, विभिन्न मसाले हैं और कपड़े हैं। इस तरह से मैं कहूँगा ये मेला बहुत अच्छा है, इस तरह के मेले आयोजित होना चाहिए। ये स्वस्थ मनोरंजन भी देते हैं और लोगों को रोज़गार भी देते हैं। इस मेले में जैसे ये नक्काशी लकड़ी के जो लकड़ी पे जो नक्काशी होती है उन पर क्या कहेंगे आप, क्या इन लोगों के लिए आपकी तरफ से आपसे आपके विभाग से किसी प्रकार की सुविधा दी जाती है? जो लोग लकड़ी का कारों पर बना रहे हैं मैं उन्हें बधाई दूंगा और उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूं। लकड़ी के चीज़ें इस्तेमाल होना चाहिए और उन्हें अच्छे से अच्छा खूबसूरत बनाना चाहिए। हमारे यहाँ लकड़ी का इस्तेमाल और देशों के मुकाबले में कम है, पर कैपिटा लकड़ी का जो कंजम्पशन है कम है, और लकड़ी को जलाया नहीं जाना चाहिए, उसकी एक से खूबसूरत चीज़ बनाई जाना चाहिए। सर ये वन और पर्यावरण पे क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लकड़ी के कटान जगह जगह हो रहे हैं, आरा मशीन लग रहे हैं जगह जगह, उन पर क्या कार्रवाई आपकी तरफ से? ये पहले भी ये बातें कही गई हैं आपकी तरफ से कि जो भी अवैध आरा मशीन होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं पुनः यही कहूँगा, जो भी अवैध आरा मशीन चल रही हो आप बताएं, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊँ। तो आपने देखा साफ तौर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना का कहना है कि किसी भी प्रकार का अगर कहीं भी अवैध आरा मशीन या इस तरीके की पेड़ कटान की बातें कहीं हो रही हैं अगर उन्हें जानकारी होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम TV।